मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेडा की 240 करोड़ रुपए की 20 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 240 करोड़ की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कालेसर आवासीय योजना, 300 करोड़ रुपये की SD इंटरनेशनल की प्लास्टिक रिसाइकिलिंग एवं फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट, इसके साथ ही 90 करोड़ रुपये के 18 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसके साथ ही नाइलिट के छात्रों को प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है। विकसित भारत के इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए गोरखपुर को विकसित करना होगा। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। औद्योगिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में जो परिणाम दिख रहा है वो बेहतर कानून व्यवस्था, अच्छी सरकार और अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुने जाने का परिणाम है। जब नीयत अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। आज गीडा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे कि लखनऊ जाने के लिए दो रूट हो जाएंगे। ये क्षेत्र औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित हो, इसके लिए बीते कुछ वर्षों में तमाम प्रयास हुए हैं। गीडा में वरुण ब्रेवरेज, कयान डिस्ट्रिलीज, CP मिल्क, तत्वा प्लास्टिक, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इंडिया, ऑटो व्हील्स, बालाजी प्रोसेसर्स, रूंगटा इंडस्ट्रीज, कपिला कृषि उद्योग, सिंह पेपर प्रोजेक्ट के निवेश से करीब 5000 युवाओं को यही नौकरी व रोजगार उपलब्ध होगा। गीडा क्षेत्र में ढेर सारे अन्य उद्योग लग रहे हैं। 25 एकड़ में गारमेंट पार्क, 88 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विस्तृत हो रहा है और 34 करोड़ रुपए की लागत में फ्लैटेड फैक्ट्री भी बन रही है। इसके अलावा सरकार 5500 एकड़ में धुरिया पार में औद्योगिक टाउनशिप बनाने जा रही है। हाल ही में नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी प्रस्ताव मिला है। इसके लिए निवेशक को भूमि दिखा दी गई है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी जी ने हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए आवास की घोषणा की थी। देश में अब तक 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए पक्के छत की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को मकान दिए जा चुके हैं। गीडा की कालेसर आवासीय परियोजना में हर श्रेणी के लोगों के लिए आवास उपलब्ध हो सकेगा। इस सदर सांसद रवि किशन सहजन व विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक फतेह बहादुर सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। देखो जोरदार ताली से सहजन व दोनों हाथ उठा के गड़गड़ा के भैया हो लगे के चाहिए कि 10 करोड़ का निवेश करके पहली बार इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर या किसी राज्य में पहली बार 10 लाख करोड़ का निवेश। हमारे महाराज जी, अपने महाराज जी, हम सबके महाराज जी के मेहनत से पूरे देश के, पूरे विश्व के निवेशक लोगों के विश्वास, बड़ी बड़ी कंपनी आके पैसा लगा रही। इसी उत्तर प्रदेश में जहां बीमारू प्रदेश था, माफिया थे, फिल्म वाले यहां शूटिंग के लिए नहीं आते थे, इंडस्ट्री को भूल जाइए, कोई दुकानों के वो लगाए तैयार ना रहे, जो ठेला भी लगाए दे रहा है, वहां 10 लाख करोड़। जैसे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते थके नहीं, ऐसे महाराज जी खातिर एक बार जोरदार होने के चाहिए, गड़बड़ा के हर आत्मा से क्यों नहीं करेगा हो, कोई नहीं सोचता किसी के लिए। और यहाँ महाराज जी को बलियान, हमारे बच्चे लोगों को बलियान बंद हो गई सजनवा में, गीडा में, गोरखपुर जिला से लोग अपने बाल बच्चा लोग सब यह बिटिया लोग काम करे तैयार है, कत्तू नहीं जाएंगे बापू यह गीडा में बसा था पूर यह मिली। आज 1000 करोड़ का इंडायरेक्टली डायरेक्टली सेटअप लगा हुआ, लेकिन पहले कहते रहना हो 250 करोड़ का जिनके पैकेजिंग का काम हो रही है, इतना लोगों के रोजगार। और ऐसे माहौल में, ऐसे मंच पर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी महापौर, उनके स्वागत, श्री प्रदीप शुक्ला जी जो बहुत सुंदर आप बोले प्रदीप जी, ये बहुत आपकी आवाज बहुत बदाम खा लग अलग आवाज याद, इतना याद रखो भी भैया को लड़ाई का इतना ना गली गली इतना बना दे रहे कि हमके तो लगा था हमारे चुनाव में पूरा लिस्टिया
पूरा पोथी लेके चले के बड़े इतना पत्थर। महाराज जी के आशीर्वाद से धन्यवाद महाराज जी पूरे मंचवा पे बोलते थे देखो प्रधानमंत्री जी को पत्थर लगे नहीं बनारस में और पूरे देश में एक सांसद रवि किशन की महाराज जी के कृपा इतना पत्थर लगवा देना हमारे नाम पर। औद्योगिक नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभाकर बनी है राष्ट्रीय समृद्धि का आधार। नवी औद्योगिक नीतियों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आज स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे अभिनव कदमों से नया भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। अभिमोचन तालियों के साथ आप सभी माननीय मुख्यमंत्री इस योजना के लिए पुस्तिका का विमोचन पुनः करें तालियों के साथ अपने नए वृत्त करेंगे कोकिला साहनी डॉटर ऑफ परशुराम साहनी सतगुरु जी। अरे महोदय के घर कमलों से नामांकन पत्र को प्राप्त करते हुए भारत माता के आज के इस कार्यक्रम में गीड़ा से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, कैंपियरगंज के विधायक श्री फतेहबहादुर सिंह जी, विधायक खजने श्री श्रीराम चौहान जी, विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री विश्वेश सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एसटी इंटरनेशनल श्री विनय अग्रवाल जी, विजय कुमार जी, रमेश सिंह जी और यहां पर उपस्थित मंडलायुक्त गोरखपुर सीओ नीडा समेत सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम गीडा में संपन्न हो रहा है जिसमें 650 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना गीडा का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर हमने गीडा से जुड़े हुए विभिन्न विकास की 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। एचडी इंटरनेशनल के 300 करोड़ रुपए के निवेश के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और नैलेट द्वारा जो भारत सरकार का एक संस्थान है इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट हमारा जो युवा है हमारे पास प्रतिभाशाली युवा तो है लेकिन उसके स्किल को स्किल में बदलने का जो एक कार्यक्रम नैलेट के द्वारा यहां प्रारंभ किया गया है गीडा के सहयोग से उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इन 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए इसमें रुचि लेने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कहानी
कैसा उसने पहना है, कैसा उसने किया है, बेढंगा अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहनकर क्या के बीच आ जाएगा, क्या आप उसको सम्मान देंगे? रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखा है? ओ हाथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग मन को लोग देखे। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए दिल्ली में यहाँ के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन में, पेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना, उसको पैकेजिंग करके और वह जब सजता है लोग देखते हैं और फिर उसकी काफी ज्यादा कीमत हो जाती है। कीमत बढ़ाने में दुनिया की मार्केट में कंपटीशन में, और यहाँ पे एसटी इंटरनेशनल इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए इंटरनेशनल के जो प्रोप्राइटर है, उनके जो चेयरमैन है विनय अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को निर्णय से मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने गीडा में निवेश किया है। और गीडा इस निवेश के लिए न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लोग इससे लाभान्वित होंगे।